का जो फोरकास्ट है आने वाले अगले 7 दिन तक शुष्क मौसम का फोरकास्ट किया गया है, और इसमें जो उच्चतम और लघुतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है वो अहमदाबाद में हुआ है 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि नॉर्मल से 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है, और जो लघुतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है 21.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि -2.2 डिग्री अगले उससे अगले वाले दिन से डाउन है, लेकिन नॉर्मल से अभी भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। और जो आने वाला अगले 4 से 5 दिन तक उच्चतम और लघुतम तापमान में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने का संभावना किया गया है। पवन का जो दिशा था इस गुजरात रीजन में उत्तर से उत्तर पूर्व दिशा में था, और अहमदाबाद का जो फोरकास्ट किया गया है इसमें जनरली क्लाउड क्लियर स्काई रहेगा, और उच्चतम तापमान जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा, और लघुतम तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। सर, दिवाली आसपास है पर फिर भी ठंडी अनुभव नहीं हो रही है, क्या रीज़न इसका? अभी जो है उत्तरी हवा तो चल ही रहा है, और अभी आने वाला देखते हैं, अभी तो नॉर्मल चेंज में चल रहा है, 3 से 4 से 5 दिन तक अभी तापमान में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहेगा। सामान्य की कंपैरिजन में देखा जाए तो 3.1 डिग्री ज़्यादा है महत्तम टेम्परेचर में, तो ये एबनॉर्मल स्थिति कह सकते हैं? नहीं, हमारा जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट इशू हुआ है इसमें बोला गया है कि जो नॉर्मल से इस बार तापमान ऊपर रहेगा। आप देखेंगे हमारा जो पिछला फोरकास्ट इशू हुआ है उसमें लॉन्ग रेंज फोरकास्ट इस बार बोला गया है गुजरात रीजन में तापमान नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा।